अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ है अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ आप उन लोगों का भी ख्याल रखेंगे जिनका वसीला अल्लाह ने आपको बनाया है। चलें तो चलते हैं आज के विज़िट की तरफ। मौसम अच्छा है तो ग्लोबल विलेज जाने का प्लान बना लिया है, तो चलें वहाँ चलते हैं फटक से। जनाब, यह है ग्लोबल विलेज के डिफरेंट गेट्स में से एक गेट। वीकडेज का फुल डे टिकट 22.5 AG पर अडल्ट है एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज, और वीकेंड एंड हॉलीडे टिकट 27 AG पर पर्सन है। अंडर 3 ईयर्स किड और सीनियर्स आर फ्री टू एंटर। क्या खूबसूरत ताजमहल का मॉडल रेडी किया है, मेरा तो आगरा जाने का दिल कर रहा है। यहाँ अप्रॉक्स 90 कंट्रीज अपने कल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ आपको 90 कंट्रीज की फूड वैराइटीज टेस्ट करने का चांस भी मिलेगा। फ्री में नहीं, पैसे देने होंगे। क्रिसमस ट्री मुझे हमेशा से पसंद है, क्योंकि मैंने उस पर कभी चुड़ैल होने की स्टोरी नहीं सुनी। ग्लोबल विलेज का टोटल कवर्ड एरिया अप्रॉक्स 17.2 मिलियन स्क्वायर फीट। यहाँ 3500 से ज़्यादा शॉपिंग आउटलेट्स हैं और 18,300 व्हीकल्स पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग प्लेस इज दिस। ग्लोबल विलेज एक किड्स फ्रेंडली प्लेस है, जहाँ किड्स के लिए बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, लाइक प्ले लैंड, फन लैंड, पार्क एरिया, कार्टून कैरेक्टर्स और बहुत कुछ है वहाँ, तो आप अपने किड्स के साथ लाजमी विजिट करें। यहाँ लोकल हेरिटेज के मॉडल्स बनाए हुए हैं ताकि दुनिया को यूएई के कल्चर रिकॉल करवाए जा सकें। अजीम कौम होने की निशानी ये भी है कि वो अपने पास्ट पे बड़ा फख्र करते हैं और यूएई उनमें से एक है। इतना रिच इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आप यकीन जाने इंटरनली एक रॉयल फीलिंग आपके अंदर पैदा होती है, कि जैसे हम किसी बादशाह के किसी किंग पैलेस के अंदर हैं और वहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं।
इस एरिया में स्टंट शोज किए जाते हैं। अगर आप स्टंट्स लवर हैं तो ये प्लेस आपके लिए है, लेकिन हाँ इसके चार्जेस सेपरेट हैं। ये है, बिलीव करना है तो करो वरना आपकी मर्जी। ग्लोबल विलेज में आपको डिफरेंट कंट्रीज के वैरायटी ऑफ फूड्स टेस्ट करने का चांस मिलता है। सो इफ यू आर अ फूड लवर, दिस प्लेस इज फॉर यू। यार ये वाला इन्क्लोजर देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ये इंडियन इन्क्लोजर है, इसका क्या डिज़ाइन इन्होंने, आउट क्लास डिज़ाइन, क्या बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने दिए। तो मैं तो अपनी तरफ से भाई इनको मुबारकबाद देता हूँ, इस इन्क्लोजर को डिज़ाइन करने वाले और इनकी टीम को। और ये जो इन्क्लोजर आप सामने देख रहे हैं ये अफ्रीकन इन्क्लोजर है, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्लस इसका कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। तो अफ्रीका भी क्रिएटिविटी के अंदर इंडिया से कुछ कम नहीं है। इस इन्क्लोजर में आपको हर्बल रिलेटेड
बहुत से प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो स्किन से भी रिलेटेड होंगी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। अगर आप में से किसी ने अफ्रीकन प्रोडक्ट्स ऐसी यूज़ की हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में इन्फॉर्म करें कि उसका रिजल्ट क्या रहा था। रात में ग्लोबल विलेज की शाइनिंग की बात ही कुछ और है। जो लोग ग्लोबल विलेज कभी नहीं आए उन्हें मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि बस एक बार यहाँ आए और गारंटीड आप एवरी ईयर आएंगे। यहाँ आपको इजिप्ट की मम्मी और पापा की स्टैचूज नजर आएंगे। ये ओपन एयर स्टेज एरिया है जहाँ दुनिया के स्लैब्स, म्यूजिकल बैंड्स, ग्रुप्स और डांसिंग ग्रुप्स आकर परफॉर्म करते हैं और ये सीन अप्रॉक्स 23-6 मंथ के लिए ऑन रहता है। अब जनाब हमारा ये आज का विजिट यहाँ पे अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते रिक्वेस्ट कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और साथ ही एक घंटी का बटन होगा वो ज़ोर से प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।